कि इस बार अगर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी झुंझुनू के किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है तो ये पूरा मुस्लिम समाज जो 70,000 वोट का मालिक है कांग्रेस पार्टी को एक भी वोट नहीं डालेगा। सबसे पहले तो हमारे आला कमान ने हमारे प्रभारी जी को हमारे बीच भेजा, ये हमारी बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी का इतना विरोध होगा हम बता नहीं सकते, पूरा समाज तय करेगा सर। कि मेरे नाम से अगर कोई अदावत है, मेरे नाम से कोई नाराजगी है तो मेरे को छोड़कर मेरी मुस्लिम समाज की 70,000 लोगों की वोटर है, 30 बिरादरी है, लगे अलग कमान है जो को आपको निर्णय सोच समझ कर पेश कर सी या पुराना बैकग्राउंड ने देखकर वापस भी यही रिपीट कर सी। प्रभारी जी लगातार कह रहे हैं कैमरों बंद करो, कैमरों बंद करो, कहीं बात है जखी रख रहे हैं। एक बार मौका देख के देख लो मुसलमानों को, टिकट नहीं तो वोट नहीं। कांग्रेस मुसलमानों के दम पे ही चुनाव जीते है, रब की बार ज्ञान हो जाओ। मोरिया बुला देना, इतनी सी बात। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो को समाध हो वो कंप्लीट हो चुके हैं और जखी मीटिंग हुई बिग बाद में कहीं निष्कर्ष पर पूछा है और कहीं टिकट की जखी मांग कर रहा हो, कहीं लगे जगह लगातार चार बार अठे विधायक रही है, तो टिकट का खातर आया ही को नहीं। और बिग बाद में जगह आम पब्लिक है, जगह आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वे आपकी मांग काई काई रखी है आज। सबसे पहले तो हमारे आला कमान ने हमारे प्रभारी जी को हमारे बीच भेजा, ये हमारी बड़ी बात है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आला कमान ने प्रभारी को भेजा यहाँ, स्वागत करते चिरंजीव राव साहब का, हमारे प्रदेश के प्रभारी नसीम अख्तर जी, मनोज मेघवाल जी, अमित चचान जी सब यहाँ पधारे हैं, सब ने अपनी अपनी बात रखी है और मैंने विशेष रूप से बात रखी है कि मैं पार्टी का 25 साल से सिपाही हूँ, पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला के रहा हूँ। और मैंने बार बार पिछले दिनों मोहब्बत चैत में भी कहा था, आज भी मैंने कही है कि मेरे नाम से अगर कोई अदावत है, मेरे नाम से कोई नाराजगी है तो मेरे को छोड़कर मेरी मुस्लिम समाज की 70,000 लोगों की वोटर है, 30 बिरादरी है, जो माना है माननीय आला कमान को जो पसंद है उसको टिकट दे दे, हम तन मन धन से पार्टी के साथ रहेंगे। और अगर आप पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर मैं समाज के पीछे रहूंगा, आगे नहीं रह पाऊंगा। कई कारण है कि पार्टी आम कार्यकर्ता है जखाने इग्नोर कर, जखा लगातार 70 सालों लगातार राजनीति करता आ रहा है, बन डायरेक्ट टिकट सौंप दे हुए बे, न इस गा मौजूद दिख रहा है, न बाद गमाई न मौजूद देख रहा है, लेकिन खडे न खडे नाम आवे जी टाइम पर बाको नाम आ जावे ऊपरी ऊपर। झुंझुनू की जनता निर्णय करेगी, ये काम झुंझुनू की जनता का काम है, झुंझुनू की जनता निर्णय करेगी। आज हमारे आला कमान के यहाँ से प्रभारी आना ये छोटी बड़ी बात, छोटी बात नहीं है, उस मीटिंग में नहीं आना ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मुस्लिम महापंचायत भी हुई है, आज भी सगड़ा मिलर जखी थे बात रखी है, बिग बाद में कहीं लगे अलग कमान है जो को आपको निर्णय सोच समझ कर पेश कर सी या पुराना बैकग्राउंड ने देख कर वापस भी यही रिपीट कर सी। अब अलग कमान पे डिपेंड है, हम क्या बोले, अलग कमान जो निर्णय करेगा वो करेगा। और बिग बाद में समाज की तरफ हूँ, आपको कहीं निर्णय रेसी अगर समाज कुछ समाज निर्णय करेगा, मैं तो समाज के पीछे। अब आर थे बात करी के टिकट नहीं तो वोट नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं MD चौबदार साहब को, हमारे विधायक रफीक खान, नहीं तो वोट नहीं, एक मिनट वोट नहीं, मैडम नसीम अख्तर साहब को, रफीक खान साहब को, जाकिर गेसावत खान साहब को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस बार अगर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी झुंझुनू के किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है तो ये पूरा मुस्लिम समाज जो 70,000 वोट का मालिक है कांग्रेस पार्टी को एक भी वोट नहीं डालेगा, साफ स्पष्ट बात है। कई कारण है, बंद कमरा के मायने टिकट का बंटवारा हुए जबकि आम कार्यकर्ता की अनदेखी करी जावे। आज प्रभारी जी आए हैं ना, तो हम बंद कमरे में मिले, हमने ग्राउंड में बुला के हमारी पूरे झुंझुनू की जनता के सामने उनके समक्ष बात रखी है। प्रभारी जी लगातार कह रहे हैं कैमरों बंद करो, कहीं बात है जखी रख रहे हैं यानी। आप उनसे सवाल करो, हमने जो अपनी बात रखी है हम मीडिया के माध्यम से भी बोलते आए हैं और इस जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भी बोल रहे हैं और आपके चैनल पे भी बोल रहे हैं, हमने अपने समाज की मांग रखी है और हम यहाँ के हकदार मुसलमान जो 75 वर्षों से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, आज तक किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति को नहीं देखा, सिर्फ हाथ के सिंबल को देखा है हमने और वोट दिया है। अब बाई इलेक्शन है, ये उपचुनाव है ना, तो इससे कोई गवर्नमेंट बननी है ना जानी है, एक बार मौका देख के देख लो मुसलमानों को,
नहीं, अब ये मुसलमान जागरूक हो चुका है। आज तक आजादी के बाद में, आज तक आजादी के, एक मिनट, आज तक आजादी के बाद में झुंझुनू में मुस्लिम महापंचायत नहीं हुई, आज ये मुसलमान जागरूक हुआ है तो आपकी दुआ से मुस्लिम महापंचायत हुई है, और उस मुस्लिम महापंचायत की बिना पे आज प्रभारी जी को यहाँ आना पड़ा है। ये जनता की आवाज है, ये जनता है। तो थाने विश्वास है प्रभारी जी थारी बात जिया थे रखी है बिया रख ला भाई? अगर रख देंगे तो उनका मोस्ट वेलकम है, और नहीं रखेंगे तो पूरा झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के मुसलमान कांग्रेस को एक छुट्टा वोट भी नहीं देंगे। कहीं निर्णय ले से भी बाद में भाई, हम अपना डिसीजन बाद में बता देंगे आपको भाई। मुस्लिम न्याय मंच जो बना है झुंझुनू का, जो भी डिसीजन होगा वो हम बाद में बता देंगे आपको भाई। हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे जब हम, एक मिनट, अगर मतलब कांग्रेस आला कमान झुंझुनू में मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दे, टिकट नहीं देगा, तो हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। उसके बाद हमारा डिसीजन आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि कांग्रेस को वोट है जो को लगभग 70,000 गिनती स्टार्ट हुआ है, वे 70,000 की गिनती थारी मानी जाए, लेकिन भी के बावजूद है ना थारा नाम है भी उम्मीदवारी लिस्ट में को नहीं आवे। अब की बार आजा सी, अब की बार जीरो से गिनती चालू होगी, 70,000 से नहीं चालू होगी। अच्छा, आपके जीरो से टिकट नहीं तो वोट नहीं। मारवाड़ी के मायने, मारवाड़ी के मायने जखो कियो जाए के बहम है जखो अब की बार दूर करते शो कर दे। एक से गिनती शुरू होगी कांग्रेस की, एक से 70,000 से नहीं गिनती होगी, एक से शुरू होगी अगर टिकट नहीं दी तो। और टिकट दी तो भाई गिनती 70,000। कांग्रेस मुसलमाना के दम पे ही चुनाव जीते है, अब की बार ज्ञान हो जाओ। अब की बार भैम काट दें, भैम काट दें, मन लगे भैम और सो क्यों काट देसो अब की बार तो, क्योंकि अब की बार एक अलग जोश नजर आवा लाग रहे थारे भाई ने। सब जो ये नेता आए थे ये छोटे थे क्या, पहले तो मुझे ये बताइए। नहीं बिल्कुल, इंडिया लेवल हूँ थारे बीच में आया। विजेंद्र साहब कितने बड़े नेता है, वो आए नहीं यहाँ पर, कितने बड़े नेता है वो, बड़ा तो है जना, 70 साल नू देख लो तो वोट देबा लाग रहे हो दड़ादड़। फिर बहुत बड़े नेता है वो नहीं आए तो। छोटो सो बयान है कि मोरिया बुला देगा, इतनी सी बात है। बुलाऊंगा वो मोरिया, पीसीसी चीफ को बयान आवे पार्टी के संबंधित ही आवे के मोरिया बुला देला, लेकिन थे तो दूसरा तरीका, वो पार्टी की बात कर रहे हो। आदरणीय एमपी साहब ने भी भरपूर तरीका जवाब मिल जाओगे तो यह बात है। हमारे आदरणीय गोविंद जी सिंह टोडासरा जी का एक ही नारा है, मोरिया बुलाऊंगा। एमपी साहब का भी बुलाऊंगा, एमपी साहब जो आपके जहन में बिठा के बैठी ने की भाई साहब ये तो मियाँ, ये तो कठी गुंजा साहब मियाँ है, मियाँ का मायने भी बार में थोड़ी बातचीत करवा बारे भी गेड़ो हो जना। लोग कह रहा है मान तो भी समझ लिया के एकदम, मैं तो अड़ेड़ा ही यहाँ मान तो बिल्कुल, पूछे तो भी मैं बन वोट दे, पूछे तो भी बन कांग्रेस ने वोट दे, वो मान रहा की जब भी मारा बुजुर्ग आदमी, हाँ एक जन एक आवाज ही की टाबरिया वोट इन है तो वोट डाल दिया करता। अब साहब बेबी बेबी जाएगी, डेथ हो चुकी, बाकी थोत का मायने कहीं बरसो अब के, अब सब अब की बार आपके कोई थोत को देवा नहीं। मां बारूद बरसा साहब, बारूद तो खुड़ को जोरू हो, खुड़ को जोरू हो, इयान को खुड़ को आलताने झुंझुनू में कोनी हो, बियान को बोलो है आपको 2024 में, 24 में मेन चुनाव में। आज तक आपने किस लिए भी दिया, हमने वोट डाल दिया। ये उपचुनाव है जिसमें आपकी ना कांग्रेस पार्टी की ना तो कोई सरकार बननी है राज्य में, ना कोई वो मैंने सुन लीजिए बात सर, मेरी बात रोकने तो सर मुझे, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ सर, अब हमारा हक है, आप हमें टिकट दो, अगर आप टिकट दे दोगे तो हमारा झुंझुनू का प्रत्याशी हम नाच नाच के जिता के भेजेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी अब भी अभियान देखी करती है तो सर कांग्रेस पार्टी का इतना विरोध होगा हम बता नहीं सकते, पूरा समाज तय करेगा सर। हम कांग्रेस पार्टी को आपको आला कमान को, हमारे एमपी साहब को जो भी उसमें से अच्छा सुना लगे आप उसको टिकट दे दो, पूरा समाज। और एमपी साहब मैं आपको भी कहता हूँ, आप 1996 के कांग्रेस के सच्चे सिपाही है, अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो हम आपके साथ, नहीं तो हमारे पास वोट मांगने मत आ जाना साहब।
कांग्रेस के कार्यालय में है, आप चर्चा करी कार्यकर्ता संवाद हो और बिजगा के ऊपर सारा कांग्रेस का कार्यकर्ता यार भाई आप आपकी बात रखी है, टिकट की दावेदारी है जी प्रस्तुत करी है, धन्यवाद, राम राम सर।